22 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि 500 साल से चल रहे राम मंदिर बनने का सपना अब राम भक्तों का पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में राम मंदिर को लेकर धूम है। राम मंदिर बनने से पहले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बेहद खास पूरे प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिसके लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में सभी राम भक्त पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही भव्यता प्रयागराज यानी संगम नगरी में भी नजर आई है, क्योंकि अक्षत कलश यात्रा जहां एक और काफी लोग शामिल हो रहे हैं तो वहीं इसी यात्रा में शंखनाद के साथ शुरुआत किया जा रहा है। इसके अलावा ढोल ताशा के धुन पर लोग नाचते नजर आ रहे हैं। शामिल होने आए क्या साधु हो या कोई संत या आम आदमी, हर की जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं और शायद गाने भी और राम नाम धुन के बज रहे हैं, जिस पर लोग झूमने को तैयार हैं। आज हम लोग के दिलों में बहुत उत्साह है क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए सब यहाँ पे राम के ही दीवाने हैं, सब हम लोग सब साथ में जा रहे हैं राम मंदिर के खुशी में। और ये मैं पूरे प्रयागराज को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी शामिल हो और राम मंदिर के बनने में आप लोग भी आए और आयोजन में सब अपना बहुत खुशी की बात है कि राम जी वहाँ पे विराजमान होंगे, बनेगा मंदिर। और सबसे बड़ी बात है 22 तारीख को आप लोग भी वहाँ शामिल हो और राम मंदिर में आप लोग भी आए और इस खुशी का आनंद उठाएं। आमंत्रण भी मैं आप लोग को कर रही हूँ, आप लोग को आमंत्रित कर रही हूँ कि आप लोग आइए और वहाँ पर शामिल होइए और राम मंदिर के इस उत्साह में अपना अपना सहयोग प्रदान करिए। नाम बता, मेरा नाम रिया खान है। यहाँ एक और सभी वर्ग के लोगों में इस राम मंदिर बनने पर उत्साह है। कलश यात्रा को खुद मुस्लिम वर्ग के लोग स्वागत कर रहे हैं, यही नहीं कलश यात्रा निकाल रहे लोगों पर पुष्प वर्षा कर राम मंदिर बनने का विशेष खुशी मना रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या धाम से घर घर पहुंचाने के लिए पूजित अक्षत आया है, उसी उपलक्ष्य में आज श्री राम विजय ध्वज यात्रा जगह जगह से निकाली जा रही है। भव्य यात्रा में भारी संख्या में हिंदू समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने अक्षत यात्रा पर पुष्प वर्षा करके राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया। भारतवर्ष के देवता श्री रामचंद्र जी प्राण प्रतिष्ठा की कलश यात्रा का स्वागत अभिनंदन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच फरीद साबरी के नेतृत्व में भारी संख्या में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने किया। उस अवसर पर मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। फरीद साबरी ने बताया कि जात जाति धर्म के ऊपर उठकर देश हित एक झंडा एक देश एक नारा के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम सब हिंदुस्तानी, क्योंकि देश सर्वोपरि है। आज एक मैसेज, ये जो संगम नगरी है गंगा जमुना की तहजीब हिंदुस्तान मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान, आज एक संदेश देना चाहता हूँ मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से और एक आम नागरिक के माध्यम से कि देश अब धर्म जाति मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश के देख लीजिए क्या हालत है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं और लगातार उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली है।